किसके सर सजेगा पंजाब का ताज, फैसला होगा आज। पंजाब असेंबली में वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, किसके पास कितने अराकीन, दावों का सिलसिला जारी। हुकूमती और इतिहादी अराकीन लाहौर के होटल में मुकीम, परवेज इलाही और पीटीआई अरकान के भी मुकामी होटल में डेरे। लीगी रुकन उज्मा जईम कादरी को कोरोना हो गया। सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून से मुबैना राब्तों की बाजगश्त, मुजफ्फरगढ़ के एमपीएस मोनस इलाही और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की उनसे मुलाकात। अब्दुल हई दस्ती, अशरफ रिंद, न्याज गशकोरी, ओन डोगर, अलमदार कुरैशी और दीगर मौजूद। सरदार अब्दुल हई दस्ती और मियां अलमदार कुरैशी की राब्तों की तरदीद। एमपीएस में इफ्तखार गोंदल, फैसल फारूक, गुलाम असगर, मुनीत सुल्तान, अंसर मजीद न्याजी शामिल। मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान हमें वोट देंगे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी का दावा। कहा 187 अरकीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकीन के साथ बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। समीउल्लाह चौधरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी कर दिया। महंगाई के वार आशियाना बनाना भी हो गया दुश्वार। सरिये, बजरी और सीमेंट की कीमतों में एक बार फिर 20% इजाफा, नए रेट्स मुकर्र कर दिए गए। सरकारी नरखों में फर्स्ट क्लास ईंट की कीमत 12,500 रुपए से 14,000 रुपए मुकर्र, सीमेंट की बोरी 720 से बढ़कर 1,020 रुपए हो गई। सब्जियों और फलों के दाम हो गए बेलगाम, मुल्तान में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मीटर में मटर 320 और टींडे 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। कड़वाही महंगाई की आवाम को फलों की मिठास से भी दूर कर दिया। उधर बहावल नगर और रंगपुर में भी महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। डॉलर का रुपए को भी धोबी पटका, आए रोज लगने लगा झटके पर झटका। इंटरबैंक में डॉलर 2.08 रुपए मजीद महंगा, 227 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। चार रोज में अमरीकी डॉलर 16.05 रुपए महंगा हो चुका। लैया के तरक्याती काम मुकम्मल न होने से आवाम है परेशान। अंगड़ा पुल तक कमो कामिल फाटक तक सड़क मुकम्मल न हो सकी। ठेकेदार सड़क उखाड़ने के बाद पत्थर डालकर गायब, कारोबार मुतासिर होने से ताजिर सराफा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान की तारीखी इमारत घंटा घर की तजीन और आयश का काम जारी। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के बाईस इमारत अपनी असली और मुनफरिद हालत में दिखने लगी। अरसा दराज से घंटा घर की दीवारें और दरवाजे खस्ताहाली का शिकार थे। मुहर्रम उल हराम पर अमन व अमान के इंतजामात, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर हाफिज मोहम्मद यूनस की जेर सदारत सफीरान अमन का काफिला बंगला बुखारी उच शरीफ पहुंच गया। सज्जादा नशीन मखदूम सैयद जमुर्द हुसैन बुखारी और वली अहद मखदूम ज्यादा सैयद हसन जमुर्द हुसैन बुखारी ने इस्तकबाल किया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिश, कहीं जहमत तो कहीं रहमत। मुल्तान में रिमझिम के बाद तेज हवाएं, महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही। हवा 100 किलोमीटर फी घंटे से भी क्रॉस कर गई। मियावाली, भक्कर, तौसा शरीफ, रंगपुर, लैया, उच शरीफ में बारिश। जामपुर कोह सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी। दर्रा काहा सुल्तान से 15,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला बरामद। छाछड़ से भी 5,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला रवा दवा। इलाका 50 के इलाकों में तबाही के खतरा।
इंडोर गेम्स जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सलाहियतें बढ़ाने के लिए भी मुफीद करार। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स का सिलसिला जारी। खवातीन पंजाब गेम्स की तैयारियों में मसरूफ। कोच टेबल टेनिस ने कहा कि हमारी टीम ने पंजाब गेम्स में टेबल टेनिस में तीसरी पोजीशन हासिल कर रखी है। और मुल्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने शहरियों के लिए फिल्म फेस्टिवल सजा दिया। फिल्म फेस्टिवल में माशरती रवैयों पर मुबनी शॉर्ट फिल्मों की नुमाइश। तलबा ने फनकारी के भी जौहर दिखाए। तलबा ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल अपनी मददाद के तहत मुनाकिद किया गया।